एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या हुआ जब एक साधु को राम मंदिर में घुसने से रोक दिया गया और फिर उस दिव्य चमत्कारी साधु ने अपना जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर मोदी सरकार के भी रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना उस समय की है जब तकरीबन 500 वर्ष का इंतजार खत्म होने वाला था और प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था। सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि यह उन सब कार सेवकों का बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने हंसते हंसते मंदिर के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। लेकिन जब पता चला कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन तय किया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी लोगों से आग्रह भी किया गया था कि कोई भी 22 जनवरी के दिन अयोध्या न आए क्योंकि उस दिन केवल देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नागरिकों से 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाने की विनती की थी और 23 जनवरी से सभी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में राम मंदिर को बचाने के लिए कई दिव्य साधु संतों ने मुगलों के सामने युद्ध किया और उन्हें एक बार पराजित भी किया। इस युद्ध में तकरीबन 4000 साधुओं ने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो जब राम मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश विदेश से कई साधु 22 जनवरी के दिन अयोध्या पहुंचने के लिए रवाना हुए। इन्हीं साधुओं में से एक थे जिनका नाम था बाल मुकुंद जी महाराज, जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सनातन ही सत्य है। उन्होंने महसूस किया कि सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता हैं जिनके संदर्भ में शास्त्र में वर्णन मिलता है और अन्य धर्म के जो ईश्वर हैं वह खुद को केवल भगवान का संदेशवाहक बताते हैं। लेकिन केवल एक भगवान ही है, श्री कृष्ण, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं हूं भगवान। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और सनातन धर्म में शरणागति ले ली। इसके बाद वे पूरी तरह से सनातन के ही हो गए। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। वह रामलला को अपना मानते थे। जब वे राम मंदिर के लिए रवाना हुए तो उनके अंदर एक गजब का उत्साह था। वे रामलला की प्यारी मुस्कान को अपनी आंखों से निहारना चाहते थे और अपना आगे का जीवन अयोध्या में ही बिताना चाहते थे। 22 जनवरी 2024 को वह अयोध्या पहुंचे। वे रामलला के दर्शन करना चाहते थे लेकिन उस दिन किसी भी आम श्रद्धालु के लिए दर्शन खुले नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दिन का इंतजार किया और 23 जनवरी को प्रातःकाल ही जाकर लाइन में लग गए। लेकिन जब एंट्री गेट पर पहुंचे तब वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उनके एक हाथ पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ देख लिया जो बचपन के समय उनके माता पिता ने उनके हाथ पर बनवाया था। तब सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कोई फर्जी साधु के भेष में हिंदू बनकर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा है और इसी बात को ध्यान में रखकर वहां के पुलिस कर्मियों ने उनको हिरासत में ले लिया। और यही वो पल था जब एक बड़ा चमत्कार होने वाला था। पुलिस वालों ने उन साधु महाराज को नजदीकी पुलिस चौकी पर ले गए। वहां पर उन्हें घंटों बिठाया और उनके साथ बड़ा ही गलत बर्ताव किया गया क्योंकि सभी को लग रहा था यह कोई फर्जी बाबा है। लेकिन बाल मुकुंद जी का कहना था कि उनका जन्म भले ही मुस्लिम घराने में हुआ हो लेकिन वह सनातन को अपना चुके हैं, उनके रोम रोम में राम बसे हैं। और पुलिस द्वारा सच पता करने के लिए वहां पर एक दिग्गज पंडित को बुलाया गया जो सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और उनसे कहा गया कि आप बाल मुकुंद महाराज जी से शास्त्रों से संबंधित व सनातन धर्म से संबंधित सवाल पूछिए ताकि सभी को यह विश्वास हो सके कि वे एक सच्चे साधु हैं और एक सच्चे सनातनी भी हैं। जब उन ज्ञानी पंडित द्वारा बाल मुकुंद जी महाराज से शास्त्रों से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए और बाल मुकुंद जी महाराज ने व्याख्यान के साथ उन सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया तब जाकर सभी को विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं ये एक सच्चा सनातनी साधु ही है क्योंकि सनातन से संबंधित इतने अच्छे ज्ञान को रखना एक आम बात नहीं है और गैर सनातनी के मन में तो सनातन से संबंधित इतनी बातें कभी टिक भी नहीं सकती। और जब पुलिस वालों को यह बात का पता चला तो उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन जब वह प्रातःकाल में राम मंदिर दर्शन के लिए लाइन में लगे थे तब वहां भीड़ काफी कम थी लेकिन दोपहर तक जब वे पुनः वहां पहुंचे तो भीड़ की संख्या काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि उस दिन तकरीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए फिर से आए थे।
राम नाम लेकर वह लाइन में लग गए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कभी भी भक्तों के साथ अत्याचार नहीं करते, वह उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसकी नैया पार भी लगा देते हैं। ऐसे ही जब बालमुकुंद जी महाराज दोपहर के समय रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, तभी वहाँ एक छोटा सा बालक आता है और बालमुकुंद जी महाराज का हाथ पकड़कर वह उन्हें सीधा दूसरे रास्ते से मंदिर के अंदर ले जाता है। बालमुकुंद जी महाराज को लगा मानो वह बच्चा मंदिर के मुख्य पुजारी से जुड़ा हो। कुछ ही देर बाद वह बच्चा उन्हें राम मंदिर के अंदर ले गया, जहाँ बालमुकुंद जी महाराज ने रामलला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन जब उस बच्चे को शुक्रिया करना चाहा और उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो वह बच्चा एकदम से अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात रामलला उन्हें बिना किसी रोक टोक के मंदिर के अंदर छोड़ने आए हों। इसके बाद उन्होंने जब यह किस्सा सभी पुलिस कर्मियों और वहां के सुरक्षा कर्मियों या अन्य श्रद्धालुओं को बताया तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं था। जिस प्रकार भगवान राम ने बालमुकुंद जी महाराज को अपने दर्शन कराए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी कठिनाइयों के बाद भगवान राम के दर्शन करना चाहता है और सामाजिक परिघटनाओं के कारण वह अछूता रह जाता है, तो भगवान राम इसी प्रकार उसकी सहायता करते हैं और उसको अपने धाम तक बुलाते हैं। और अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि भगवान राम से संबंधित आने वाले भविष्य में वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।